आज दुर्गा पूजा का नौवा दिन है। वैसे हम बहुत पहले ही आ गए थे घर, अभी मैं घर पे हूँ जैसा आप देख सकते हैं, बट मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आज हमारे घर में कन्या पूजन है, तो आज वीडियो बनेगी और बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी हमारे घर में ना पूजा हो रहा है, मैंने पूजा कर लिया है, अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, उसके बाद सारी कन्याएं आएंगी, उनका पूजन होगा, फिर उन्हें खाना वाना खिलाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम नौमी सेलिब्रेट कैसे करते हैं हमारे घर पे। आज का सारा प्रसाद बन के तैयार है, ये खीर है, इसमें पूरी बनेगी और इसमें शायद छोले हैं, जो भी प्रसाद बनती है ना वो सारे चीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ मम्मी पूजा कर रही है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। और यहाँ पे मेरी बहन सोई हुई है क्योंकि इसे डेंगू हो गया है, तो इसे भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये रही छोटी वाली, हमेशा की तरह अपना मुंह छिपाते हुए, मत करो मत करो। तुमको नहीं पता? हाँ हम बताने वाले, सब पहले फूल और सब ले लो, किताब लो, कान में डालो सब, एक प्लेट में सब हटाओगी ना? बाप रे। रूम में एकदम धुआं धुआं हो गया, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आके बैठी हुई हूँ, हवन हुआ है और इतना ज्यादा धुआं हो गया है, मुझे ना धुएं से थोड़ी सी एलर्जी है, इसलिए मैं अभी बाहर आके बैठी हूँ। और अभी फिलहाल सारा पूजा संपन्न हो गया है, बस हम कन्याओं का वेट कर रहे हैं, और हमें ना पूजा करने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, इसीलिए अब हमें लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी, वो अपने से तो नहीं मिलेंगी। क्योंकि आज ना क्या होता है कि सारी लड़कियां होती हैं जो वो सारे घर में घूम घूम के जाती हैं, खाती हैं। हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसे ही घूमते थे कॉलोनी में और खाते थे। नौमी के दिन तो हमारा पेट का हाल इतना बुरा रहता था कि रात को वापस आने के बाद कुछ भी चीज़, पानी भी मुँह में नहीं जा पाता था, मतलब पेट इतना ओवर क्या बोलते हैं उसे, ओवर फील हो जाता था, पूरा पेट में एकदम इतना ज़्यादा खाना भर जाता था कि पानी भी नहीं पिया जाता था। तो ये सब मैं देखती हूँ ना तो मतलब मेरी पुरानी यादें जो ताज़ा हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये हमें घर से मिलता है जौ, जिसमें कलश रखाता है, इसको आशीर्वाद समझ के हम इसे अपने बुक कॉपी में डालते हैं और ऐसे कान के पीछे भी डालते हैं। घर में सभी लोग ऐसे पहने हुए हैं, ये शायद भगवान का आशीर्वाद रहता है। देखो इधर, देखो इधर, देखो हजम, दांत दिखाओ, ई तो गुस्साई है भैया, वो पूरा दिख रहा है कि गुस्साई है। काहे गुस्साई हो, जल्दी बोलो क्यों गुस्साई हो, कौन तुमको पड़ी बना दिया है, हैं जादू आता है इसको ए, पड़ी पड़ी तुमको जादू आता है, इधर देखो नहीं आता है जादू, तुम्हारी स्कूल में पढ़ती है, तुम्हारी क्लासमेट है, यूकेजी में पढ़ती है, यूकेजी में। अच्छा तब तो दोनों अच्छे दोस्त हो गए, नहीं कि झगड़ा की झगड़ा करते हो उससे, कपड़े एकदम भारी है, कितना कमाई हुआ है तुम लोग का,
तुम्हारे पास नहीं? अरे बाप, सबके पास पर्स है, पूरा भर गया होगा पर्स। मेरा 50 गाड़ी देखे चलता है, चलता है। अरे 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 वाह, कितनी सुंदर लग रही है, पड़ी लग रही है। पैसा है, फल है, चलो बढ़िया से आशीर्वाद देना, सब ठीक है। कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं करना है। प्रणाम कर ली, ऐसे करो, ऐसे करो, हेलो। वो देखो हंस रही है, अभी हंसी निकल रहा है इसका छुपके छुपके। तो फाइनली कन्या पूजन खत्म हो गया है, बट इतना ज्यादा थकान हो गया है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब फील हो रहा है कि बहुत तेज भूख लगी है। बैठ रहे तो मैंने खाना वाना खा लिया है, सारे लोगों ने खाना खा लिया है, और आज का पूजा बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। सारे लोग खा के चले गए, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस मैं सोऊंगी और फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।